दोस्तों अभी रात के 12 बजे हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ आज एक ऐसे एस्ट्रो फोटोग्राफी शूट के लिए जिसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो होगा मेरा घर। मैं अपने घर के आंगन में शूट करने वाला हूँ और इस शूट को बेसिकली मैं एक वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ जिससे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो। लेकिन चैलेंज ये है कि जब भी मैं इसे अपने आंगन का पूरा डायमेंशन लेता हूँ तो उसमें मेरा जो स्काई पार्ट है वो बहुत ही मिनिमम आता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं पैनोरामा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि अलग अलग शॉट लिए जाएंगे जिसमें घर का एक बार में अलग हिस्सा आएगा। पैनोरामा टेक्निक के लिए आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर आप अलग अलग इमेजेस को इस तरीके से कैप्चर करते हो कि एक इमेज के बाद दूसरी इमेज लगभग 15 से 50% की ओवरलैपिंग हो सके। तो बाद में जब हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो फोटोशॉप में उन सबको मिक्स करके फाइनल जो शॉट होता है वो कैप्चर कर लिया जाता है। टेक्निक एडिटिंग की भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल जो शॉट है वो एस्ट्रो शॉट है, मतलब हम एक स्टार्ट रील शूट करने वाले हैं घर को फोरग्राउंड में रख के। तो जो शॉट बनेगा उसमें बेसिकली एक फ्रेम में मल्टीपल शॉट लिए जाएंगे, मतलब एक जो मेरे घर का पोर्शन है वो एक पोर्शन होगा एक बार में और वहाँ पर मैं मल्टीपल शॉट लूँगा जिससे कि जो स्टार है उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट उसमें कैप्चर हो सके। उसके बाद फ्रेम शिफ्ट होगा, दूसरा फ्रेम, वहाँ पर अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगी, फिर तीसरा फ्रेम, फिर चौथा फ्रेम, फिर पांचवा फ्रेम। अगर सेटिंग की बात करें तो क्योंकि ये एस्ट्रो फोटोग्राफी शूट है जिसमें हम जो स्टार ट्रेल्स हैं उनको कैप्चर करने वाले हैं, तो उसके लिए जो मेरी फेवरेट सेटिंग रहती है वो रहती है 30 सेकेंड का मेरे को शटर चाहिए होता है। अपर्चर में कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम ओपन रख सकूँ, जितना भी मेरे पास अवेलेबल मैक्सिमम ओपनिंग है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना आईएसओ सेट करता हूँ जो कि यूजुअली आईएसओ 800 से लेके 2000 या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये मतलब ये मान के चले कि 800 से 2000 के बीच का मेरा आईएसओ रेंज रहती है जनरली। एक शॉट लेके देखेंगे और जब वो शॉट कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद हम नए शॉट में अगर मुझे कोई चेंजेस करने होते हैं तो वो नए नए नेक्स्ट शॉट में मैं चेंजेस कर लेता हूँ। ये अभी कैप्चर करके आते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एडिटिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों फाइनली मेरे पास आ गई हैं टोटल 89 इमेजेस। 89 इमेजेस हैं जिसमें अलग अलग रेशियो में 3 फ्रेम लिए गए हैं। सो यहाँ पे इन फोटो को एडिट करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है आप डायरेक्टली फोटोशॉप या लाइटरूम के थ्रू अपने पैनोरमा को एडिट कर सकते हो, उसके बाद उसमें उसी में स्टिचिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो है एक ऐप आती है स्टार स्टैक्स के नाम से। ये बहुत ही लाइट वेट ऐप है, इस ऐप को आप डालो और जब भी आप इसे यूज करना चाहते हो, इससे सिंपल ऐप आपको कभी भी नहीं मिल सकती है, ये बहुत ही सिंपल है। तो स्टार स्टैक्स को मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे एक ही जैसे फ्रेम हैं उन फ्रेम्स को ले लेते हैं और उनसे अपना पहले फ्रेम का स्टार जो ट्रेल है उसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मेरे पास लास्ट फ्रेम है यहाँ तक, एक ही फ्रेम में मेरे पास इतनी इमेजेस हैं। इस इमेज को इनको ले जाता हूँ स्टार स्टैक्स में, यहाँ पे हमने ये इमेजेस डाली और करना कुछ नहीं है, सिंपली स्टार्ट प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। द मोमेंट ये ऑप्शन सिलेक्ट होता है आपका ये स्टार स्टैक्स चलना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लेंडिंग गैप फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, बस इसको रन करना हमने शुरू कर दिया। अब ये क्या कर रहा है आप इस पोर्शन में देखो, क्योंकि ये बिल्डिंग तो हमेशा हर फ्रेम में सेम ही थी तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऊपर आप देखो यहाँ इस पोर्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ धीरे धीरे आपको जो स्टार्स हैं उनकी रेंज बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। तो हो क्या रहा है, ये जहाँ ये ब्लेंडिंग गैप वाला है यहाँ से ये इन फोटोज को आपस में स्टिच करता जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली ये जो गैप है या ये जो स्टार की मूवमेंट है, ये स्टार की मूवमेंट बढ़ती जा रही है। तो हम देखते हैं फाइनली जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हमारे पास पहले फ्रेम का स्टार ट्रेल आ जाएगा। उसके बाद ये जो तीसरा बटन है यहाँ पे सेव एज का, इसमें जाएंगे और जहां भी आप इसको सेव करना चाहते हो आप इसको सेव कर सकते हो। मैंने अभी जस्ट सेव किया हुआ तो मैं उसी को यूज करूंगा। उसके बाद हम दूसरा सेट उठाते हैं और इसी तरीके से तीसरा सेट उठाते हैं। तीनों सेट जब आप तीनों सेट पे काम कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस टाइप से आएंगे। जैसे मेरे पास पहला फ्रेम आया तो इस पहले फ्रेम में आप देखो इतने स्टार ट्रेल मुझे मिले। देन सेकेंड फ्रेम में जाते हैं
तो इसमें ये इतना मूवमेंट मिला है, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे बेसिकली नॉर्थ पोल है। एंड देन इसका फाइनल फ्रेम देखते हैं, ये रहा इसका फाइनल फ्रेम जहां पर इस जगह पे ये नॉर्थ पोल आपको नजर आ रहा है। तो मेरे पास तीन फ्रेम है जिनमें स्टार्ट रेल बनी हुई है। अब इन तीन फ्रेम को इन तीन फ्रेम पे हमको पैनोरमा वाला काम करना है। तो सबसे पहले जाते हैं फोटोशॉप में। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम एक फोटो का पैनोरमा लेते हैं, अभी हम स्टिचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पैनोरमा की बात कर रहे हैं। ऑटोमेट ऑप्शन में जाएंगे, फाइल के अंदर यहाँ पे फोटो मर्ज में जाएंगे, जो मेरे पास अलग अलग फ्रेम है वो फ्रेम में सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपने लिए पैनोरमा बनाता हूँ। दो फ्रेम सेलेक्ट हो गए, तीसरा फाइनल जो फ्रेम था वो भी उठा लेते हैं, वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो अब मेरे पास मैंने तीन फ्रेम उठाए और तीन फ्रेम यहाँ पे आ गए, तो इसकी प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर एक पैनोरमा हमको मिल जाएगा जो फोटोशॉप आपके लिए बहुत ही इजीली बना के दे देता है। बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीन फोटोज उसे दे देनी है, ऐसी फोटो जिनमें एक दूसरे की ओवरलैपिंग हो। अब यहाँ पर देखो अलाइनिंग लेयर करके दिखा रहा है, ये इन लेयर्स को आपस में अलाइन करेगा एंड देन आपके लिए एक अच्छा सा पैनोरमा बना के दे देगा। तो ये आगे मेरे पास पैनोरमा जो ऑटो मोड में बन के आया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करके इसे सीधे करने की कोशिश करोगे तो आपको जो फ्रेम है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये मेरा सिंगल फ्रेम है, आप इसमें अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करके देखूं तो आपको इसमें स्टार नजर आएंगे, जो आसमान में स्टार है। ये हरे वाले मेरे घर की रस्सी है और इसी के साथ ये बिल्डिंग होगी जहां पर हम अलग अलग फ्रेम जोड़ने के बाद अपना पूरा मेरे को मेरी मेरा आंगन नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमने ये पैनोरमा बनाया था जहां पर हम एक फोटोग्राफ के लिए बना रहे हैं। अब मैं इसी का पैनोरमा बनाता हूं जहां पर हमने जो वो स्टार्टर लिए हैं उनके लिए पैनोरमा बनाते हैं। अगेन हम जाएंगे ऑटो मोड में ही रहेंगे, आपकी चॉइस है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। तो जो स्टार स्टैक से निकल के मेरे पास तीन रिजल्ट आए थे इनको मैंने उठा लिया और अब इन तीन इमेजेस को मैं जोड़ रहा हूं। और यहां पर आप देख सकते हो ये एक पैनोरमा बन के निकल के आ चुका है। यहां से मैं इसका थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूं कोई कैसा दिख रहा होगा। तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, राइट। अब आपको इसमें आप थोड़ा सा एडिट करोगे तो आपके पास जो फाइनल फ्रेम आएगा वो कुछ इस टाइप का निकल के आ जाएगा। ये इसी फोटोग्राफ का फाइनल फ्रेम है जो मैंने फाइनली इस पैनोरमा को सीधा करके और थोड़ा सा इसमें कलर करेक्शन करके निकाला है। पैनोरमा देखने के बाद आपको कैसा लगा, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। और इन केस अगर आप इससे रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहते हैं या फिर अगर आप कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं या कुछ अपने ट्रिक्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।